Well, good evening, namaskar. This is Abhana Saini reporting from Sydney Cricket Ground for Sports Talk. और इसी के साथ आज डे फोर की समाप्ति हुई ऑफ थर्ड टेस्ट ऑफ बोरे गावस्कर ट्रॉफी. और आज उतरी थी ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप, जो कि मानस और स्टीव स्मिथ बैटिंग करने. मानस के आउट हुए 73 रन्स पर और नवदीप सैनी ने उनका विकेट लिया और साथ में मैथ्यू वेड का विकेट भी नवदीप सैनी ने लिया, जो कि डेब्यूटेंट हैं. मैथ्यू वेड सिर्फ 4 ही रन बना पाए. स्टीव स्मिथ 81 रन्स पर अश्विन को अपना विकेट गवा बैठे और जो कैमर ग्रीन है वो आउट हुए 84 रन्स बना के बाय बुमराह. और उसके बाद टी ब्रेक से होते ही इंडिया की बैटिंग की बारी आई उसके बाद, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर किया इंडिया को टारगेट देते हुए 407 रन्स का. और ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर जब किया था वो था 312 पे 6 विकेट्स थी. तो अभी इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हुई है और 98 रन्स बना के 2 विकेट खोई है. पहली विकेट जो 2 विकेट हैं उसमें है, एक तो गिल जो कि आउट हुए 31 और रोहित शर्मा जो कि 52 रन्स बना के आउट हुए हैं. तो कोशिश यही करेगी कल टीम इंडिया की या तो टिका जाए क्रीज पर या तो टू गेट एज क्लोज टू स्टेजिंग दिस टर्न अराउंड फॉर दिस थर्ड टेस्ट मैच. तो इसी के साथ हम लोग जानते हैं लोगों से, यहाँ पे जो फैंस आ रखे हैं मैच देखने के लिए, कि उनको क्या लगता है. Let's see what they think, कि क्या लग रहा है कि क्या होगा यहाँ से, क्या इंडिया वापसी कर पाएगी या फिर ये मैच खो चुकी है टीम इंडिया. Well, we'll ask. What do you think? Actually, I'm very hopeful कि इंडिया जीते, और अगर हम जीते नहीं तो at least draw हो. And we are very excited for tomorrow's match. We wish all the best for India. Well, that's true. आपको क्या लगता है? Match, to be really honest, बोले तो कि it is evenly poised. Still, I believe कि वी कैन टेक इट टू द ड्रॉ. और लग रहा है कि भाई जिस तरह से इंडिया खेल रही है, पुजारा भी क्रीज पर है और वो जब खेलते हैं वो 100 बॉल में भले 0 रन बनाए, उनको कोई वो उसका टेंशन नहीं है. बट दैट इज़ व्हाट वी नीड. वी शुड आई थिंक सो प्ले फॉर ड्रॉ एंड टेक इट फॉर द ड्रॉ. Well, true. और इसके साथ रेसिज्म का जो कॉमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग भी सबने मैच देख के आए हैं, एवरीवन शुड हैव सीन द मैच. तो क्या लग रहा है कि भाई क्यों कर रहे हैं बुमराह और सिराज को टारगेट, जबकि कल भी हुआ था इंसिडेंट और आज भी 6 लोगों को बाहर निकाला, 10 मिनट के लिए मैच भी रुका था क्योंकि पुलिस आई उनको लेके गई. और जो कि बीसीसीआई ने कंप्लेंट करी थी कल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी आईसीसी के आउटकम का वेट कर रही है. और जैसे ही वो लोग आइडेंटिफाई होंगे ऐसा बताया जा रहा है कि पूरे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे जो उनके एंटी हरासमेंट कोड एक्ट के अकॉर्डिंग. तो क्यों आज फिर से दोबारा देखने को मिला? और आप लोगों ने सुना, किसी ने आपने सुना कि जो कह रहे हैं कि कोविड की वजह से ग्राउंड में आवाज़ गूंजती है, किसने सुना यहाँ पे और किस आवाज़ आई या देखा क्या हुआ था? देखा नहीं है क्या हुआ था या सुना भी नहीं दिया था. पर एक चीज़ देखे, ये चीज़ देखे बहुत अच्छा लगा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन प्लेयर्स के लिए स्टैंड लिया. जो लोगों ने उसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे हमें वो उन्हें पता नहीं है, पर उन बंदों को स्टेडियम से बाहर निकाला और स्टैंड लिया. और दैट इज समथिंग विच वी वॉन्ट. क्रिकेट इज अ गेम, डोंट टेक इट पर्सनली. एग्जैक्टली. वेल, क्रिकेट इज अ गेम, डोंट टेक इट पर्सनली. और कल जीतने के कितने चांसेस हैं? एक बार किसको लगता है कल इंडिया जीतेगी? वेल, होप्स आर स्टिल देयर कि कल इंडिया जीते या तो एटलीस्ट ड्रॉ जरूर हो. इसी के साथ हम फिर लौटेंगे कल. दिस इज अभाना सैनी रिपोर्टिंग फ्रॉम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स टॉक. गो इंडिया.